Hare Krishna. So we are continuing with our discussion on the three modes of material nature. परसों हमने सत्व गुण के बारे में और कल रजोगुण के बारे में देखा कि भगवान क्या क्या बोलते हैं, किस प्रकार से सत्व गुण ज्ञान और सुख से एक व्यक्ति को बांधता है और रजोगुण अनसैचुएबल डिजायर्स, बहुत सारी इच्छाएं और कर्मों की श्रृंखला से जीव को बांधता है। आज हमें तमोगुण के बारे में भगवान कहते हैं इन द 8th वर्स ऑफ द 14th चैप्टर ऑफ गीता। कृष्णा सेज तमस्त्व अज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्रा भीतानि बध्नाति भारत। भगवान कहते हैं ओ सन ऑफ भरता, नो दैट द मोड ऑफ डार्कनेस बॉर्न ऑफ इग्नोरेंस इज द डिल्यूजन ऑफ ऑल एम्बॉडीड लिविंग एंटिटीज। द रिजल्ट्स ऑफ दिस मोड आर मैडनेस, इंडोलेसेंस एंड स्लीप विच बाइंड द कंडीशन सोल। सो हमें देखा कि सत्वगुण और रजोगुण ये तो बांधते ही हैं, लेकिन खास करके तमोगुण के बारे में वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं तमस्तु अज्ञानजं। तमत्तु, तू अर्थात डेफिनेटली, तमोगुण अज्ञान की वृद्धि करता है और भगवान कहते हैं मोहनम सर्वदेहिनाम। अगर हम गौर करें तो सत्वगुण और रजोगुण के बारे में भगवान ने सर्वदेहिनाम इस शब्द का उपयोग नहीं किया। तो जो भी जीव इस भौतिक जगत में आता है कहीं ना कहीं किसी न किसी मात्रा में उसके अंदर तमोगुण होगा ही होगा। एंड द ग्रेटेस्ट इग्नोरेंस इज आई एम दिस बॉडी, मैं ये शरीर हूँ और इस शरीर से जुड़ी हुई सारी चीजें मेरी हैं। सो अहम और मम का ये जो मूलभूत सिद्धांत है इस भौतिक जगत में, ये हर जीव को है। तो इसीलिए मूलभूत सिद्धांत जो है इस भौतिक सृष्टि का वो है तमस। तम यानी अंधकार। बाई डिफॉल्ट दिस मटीरियल नेचर इज डार्कनेस। It is because of these luminaries like sun and moon that everything is getting lighted. But otherwise, everything is darkness. And that darkness is symbolization of the darkness of the living entity's consciousness, how he forgets Krishna. So, Bhagavan कहते हैं, कैसे बांधता है ये तमोगुण? प्रमाद, आलस्य और निद्रा. So, प्रमाद, वन इज इंटॉक्सिकेटेड। सो इसीलिए हम देखते हैं इंटॉक्सिकेशन, नशा को बैन किया गया। इट इज नॉट कंसिडर्ड गुड, इट इज नॉट कंसिडर्ड गुड इन सिविलाइज्ड सोसाइटी। इंटॉक्सिकेशन इज नॉट कंसिडर्ड गुड। व्हेन आई से सिविलाइज्ड सोसाइटी, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ टुडेज़ सो कॉल्ड सिविलाइज्ड सोसाइटी। आजकल आप अगर नशा नहीं कर रहे हैं तो लोग पूछते हैं, अरे यार ये भी नहीं करता तू? Yes. So in a civilized society, ideally, intoxication is not good because it takes away the functions of one's consciousness, one's activity away. व्यक्ति अपनी शुद्ध बुद्ध खो देता है, उसे प्रमाद कहते हैं। माद यानी intoxication, प्रमाद यानी perfect intoxication, प्रत्यक्ष रूपेण माद। So प्रमाद है, उसके कारण आलस्य है। आप देखेंगे जब एक व्यक्ति When one is intoxicated, he doesn't think anything else but the intoxicating element. अगर उसे जब तक फूकने को नहीं मिले, अंदर दो घुट शराब न मिले, उसे चरस कांचा नहीं मिले, वो और कुछ सोच ही नहीं सकता। They become their triggers. कई लोग हैं जिनकी जब तक वो दो फूक मारते नहीं है उनका सुबह का साफ नहीं होता पेट। Imagine उनकी क्या हालत है। So they think only that. So प्रमाद, and because of that alasya, without that and except for that, they can't function. And one is intoxicated, naturally one keeps sleeping. Alasya. Ek vyakti bahut zyada sota hai. Agar hum Ayurved ke hisab se dekhen aur shastra ke hisab se dekhen, to bhi ek vyakti ko 6.5 ghante, maximum 7 ghante ki neend bahut hai. Agar isse zyada hum so rahe hain din mein, तो हम निश्चित रूप से प्रमाद या तमोगुण की ओर बढ़ रहे हैं।
यहाँ हम देखते हैं प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से हमें तमस की एक व्याख्या भी देते हैं। यस, द वैदिक लिटरेचर से इसी श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, वस्तु यथात्म ज्ञान आवरकम विपर्यय ज्ञान जनकम तमस। क्या है? सो वस्तु यथा आत्मय, जो जैसी चीज है ज्ञान अवरकम, सो जो जैसा है उस ज्ञान को ढक देना, और विपर्यय ज्ञान जनक, सो वॉट एवर वन थिंग इज द अबिलिटी नॉट टू सी इट इन दैट पर्टिकुलर कंटेक्स्ट बट टू रियलाइज इट इन अ डिफरेंट वे, दिस इज कॉल्ड तमस। और जब एक जीव जिसको जैसे देखना चाहिए उसको छोड़ करके किसी और रूप में देखता है उसे तमस कहा जाता है। तो यही तो प्रमाद, आलस्य और निद्रा है, ठीक नहीं? हम जब निद्रा में होते हैं हम सब कुछ भूल जाते हैं, हम जब प्रमाद अवस्था में हैं हम सब कुछ भूल जाते हैं। सो द बेसिक इज वी हैव फॉरगॉटन वी आर पार्ट्स एंड पार्सल्स ऑफ कृष्ण, वी आर सोल्स, बट अ लिविंग एंटिटी कीप्स ऑन होवरिंग अराउंड इन दीज 84 लाख स्पीशीज and considers himself the body and all the fruits of this body to be mine. That is the basis of tamas. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare.